नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 9 मार्च की सुबह 10 बजे से ज्यादा दोस्तों यशु में से आपके जीवन काल पर हनुमान जी के आशीर्वाद से बड़े ही दुर्लभ संयोग का निर्माण होगा। जी दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भी मंगलवार के दिन होते हैं यश में हनुमान जी की कृपा आपकी राशि पर जरूर रहती है। जी दोस्तों, बशर्ते आपको जानने की जरूरत होती है कि हमें किन क्षेत्रों में लाभ होंगे, कौन से कार्य हमें यश में करने से बचने होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यश में भी आपके जीवन काल पर हनुमान जी के आशीर्वाद से बहुत ही दुर्लभ संयोग का निर्माण होने जा रहे हैं और यश में भी आपके जीवन में अनेकों प्रकार की आपको खुशखबरियाँ प्राप्त होंगी। कई क्षेत्रों में आपको लाभ ही लाभ और बड़ी कामयाबी आपके हाथ लगने वाली है। जी दोस्तों, इसलिए दोस्तों यश में भी आपको एक दूसरे कार्यों के जिन्हें लेकर सावधान रहने होंगे। इनसे दोस्तों आप अपने जो भी कार्यों में कार्य कर रहे हैं वह कार्य आपके यश में दुगने तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आप यश में जो है एक दूसरे कार्यों के जिन्हें लेकर बिल्कुल भी सावधान रहेंगे तो दोस्तों इन सभी जो है मौके का आप यश में फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को थोड़ा सा भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इनमें आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करेंगे कि यश में आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए बाकी होंगे, किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में क्या बदलाव होंगे, पारिवारिक जीवन में क्या सुधार होंगी और आपके घर की आर्थिक तंगियां किस प्रकार खत्म होंगी। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हनुमान लिखेगा गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, हनुमान जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में दिन का अधिकतर समय परिवार के लोगों के साथ किसी विशेष योजना संबंधी विचार विमर्श में समय व्यतीत होगा। काम की अधिकता भी यश में रहने वाली है। दोस्तों किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने से आपको यश में आत्मिक खुशी भी प्राप्त होगी। दोस्तों किसी धार्मिक आयोजन में भी जाने का आपको निमंत्रण मिल सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में बनते कार्यों में भी कुछ रुकावटें आएंगी, परंतु आपको बता दें कि अभी वर्तमान परिस्थितियों के कारण आपको धैर्य बनाकर रखना ही उचित होगा। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि तनाव लेने से परिस्थितियाँ और अधिक विपरीत महसूस होंगी। ये जो समय है आपके लिए दूसरों की समस्याओं से आप दूरी बनाकर रखें, ये आपके लिए यश में बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश समय आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि विदेश संबंधी कार्यों में भी आपको यश में प्रगति दिखने वाली है। दोस्तों जमीन और प्रॉपर्टी संबंधी कार्य आपके पक्ष में होने की वजह से उसी संबंधित निर्णय ले पाना आपके लिए यश में आसान रहेगा। पारिवारिक व्यापार से जुड़े लोगों को व्यापार को आगे बढ़ाने से संधि प्राप्त हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि युवाओं के लिए भी उच्च निरीक्षण या फिर शिक्षण संबंधी अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि किसी विशेष कार्य को संपन्न करने में आपका अत्यधिक समय भी व्यतीत होगा। मीडिया और संपर्क सूत्रों द्वारा कोई ऐसी जानकारी मिलेंगे कि आपके काम आसान भी हो जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि महिलाएं घर तथा व्यवसाय दोनों जगह पर उचित सामंजस्य बनाकर रखने में भी यश में सक्षम रहने वाले हैं, परंतु दोस्तों यश में अपनी इच्छा के पूर्ति के लिए अत्यधिक आपको प्रयास करने की आवश्यकता होगी। दोस्तों आपको बता दें कि यश में व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट ना करें। कभी कभी आपकी कोई रुखी बात किसी को आहत भी कर सकती है। अनावश्यक यात्रा से परहेज करें, ये आपके लिए यश में बेहतर होंगे। और इसके बाद दोस्तों काम संबंधित बातों को आपको डेडिकेशन बढ़ाने की आवश्यकता होगी। दोस्तों आपका आत्मविश्वास बढ़ने की वजह से नए काम की जिम्मेदारी लेना भी आपके लिए यश में आसान होगा। दोस्तों आपको बता दें कि आपके द्वारा घर के लोगों को आत्मविश्वास और मानसिक धैर्य प्राप्त भी हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि पिता के साथ हुए विवादों को सुलझाना आपके लिए यश में आसान रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें किसी पारिवारिक रुके हुए कार्य को पूर्ण भी यश में करेंगे। इसी दोस्तों घर में सुकून और शांति भरा वातावरण भी रहने वाले हैं। दोस्तों आपकी प्रतिभा और योग्यता का सामाजिक गतिविधियों पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि स्थान संबंधी कोई योजना भी कार्य रूप में परिणित होगी। और दोस्तों इसके उपरांत यश में आपको बता दें कि बच्चों की पढ़ाई से संबंधित गतिविधियों पर भी पूरी नज़र रखना आपके लिए यश में आवश्यक होगा, क्योंकि दोस्तों यश में उनका ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है। दोस्तों यश में महत्वपूर्ण कार्यों को ही प्राथमिकता दें।
अचानक घर में मेहमानों के आगमन से घर की व्यवस्था में थोड़ी अस्त व्यस्त भी हो सकती है। इसके बाद दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि चंचलता बढ़ाने की वजह से किसी एक काम पर टिके रहना आपके लिए यश में कठिन हो सकता है। काम की बातें छोड़कर बेकार की बातों पर अपना जो है आपका अधिक वक्त भी यश में बर्बाद हो सकता है। तो दोस्तों इस बातों को ध्यान रखें और आप अपने काम को छोड़कर यश में कहीं पर भी ध्यान ना दें। इसके बाद दोस्तों यश में किसी भी बात के लिए उत्साह न रहना तथा परिस्थिति आपके पक्ष न होने की वजह से तनाव का सामना भी आपको यश में करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों यश में अपने कार्यों को जोश और भरकस तरीके से करें, आप अच्छी सफलता को प्राप्त करेंगे। और दोस्तों यश में पारिवारिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यों में विशेष रुचि रहेगी। मकान, दुकान आदि से संबंधित रखरखाव में मरम्मत संबंधी प्लानिंग भी होगी। दोस्तों समय उत्तम है। आपको बता दें कि आपको अपने कार्यों तथा मेहनत का पूरा फल भी यश में मिलने वाला है। दोस्तों यश में आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत रहेगा। दोस्तों अति आत्मविश्वास आपके लिए यश में नुकसानदायक हो सकता है, तो इस पर ध्यान दें। सजगता और धैर्यपूर्वक कामों को करने से काम उचित रूप से पूर्ण भी होते जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि संतान की वजह से कुछ चिंता भी रहेगी। दोस्तों व्यर्थ के नकारात्मक उपाय करने से यश में आप दूर रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और दोस्तों यश में आपको बता दें कि अभी तक आपने किए हुए सभी कामों को कुछ ना कुछ रुकावटों का सामना आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों यश में आपको बता दें कि आर्थिक समस्याएं आपके ऊपर बढ़ सकती है, लेकिन दोस्तों जिसकी वजह से आपको काम से संबंधित कोई निर्णय लेना कठिन होगा। लेकिन दोस्तों यश में आपको क्या करना है, आपको काम को करते रहना है। आगे चलकर आप अपनी सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश समय आपके अगर करियर को लेकर बात करें अर्थात आपकी व्यवसाय की, तो दोस्तों यश समय और सितारे आपके पक्ष में हैं। आप किसी भी तरह जो है अपना काम निकलवाने में यश में सक्षम रहेंगे। टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े कार्यों में अप्रत्याशित सफलता मिलेगी, परंतु दोस्तों किसी को भी पैसा या फिर माल उधार ना दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। नुकसान भी इससे हो सकते हैं, तो दोस्तों इनसे आप यश में सावधान रहें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपकी व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पारिवारिक व्यवसाय में सभी सदस्यों को आपसे तालमेल बनाकर रखना जरूरी होगा। दोस्तों अभी किसी भी प्रकार का बदलाव या फिर नया काम शुरू करने से संबंधित कोई भी कार्रवाई ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यश में मार्केटिंग संबंधी व्यवसाय अधिक सफल होंगे, तो इस पर आप जोर दें। और इसके बाद दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र आपके काम करने की कोई नई तकनीक भी सफल होगी। और दोस्तों यश में इससे संबंधित उचित ऑर्डर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में भी आपको इसमें आमंत्रित किया जा सकता है, परंतु दोस्तों आपको बता दें कि कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़े, ये आपके लिए यश में बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों कार्य क्षेत्र में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय किसी खास व्यक्ति से विचार विमर्श अवश्य करें, यह भी आपके व्यवसाय के लिए इसमें बेहतर होंगे। और दोस्तों किसी भी प्रकार का लेन देन करते समय ध्यान रखें कि कुछ नुकसान होने की आशंका भी लग रही है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को यश में ऑफिस के काम भी करने पड़ सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में पारिवारिक संबंध मधुर रहेंगे। कुछ समय परिवार के साथ लॉन्ग ड्राइव अथवा डिनर के लिए जरूर समय निकालें, ये आपके लव लाइफ के लिए और आपके पारिवारिक जीवन के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें कि यश में घर का वातावरण भी सुखद रहेगा। किसी परिजन से अचानक ही मुलाकात होना सबको खुशी भी यश में देने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों बता दें कि पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान भी करेंगे। प्रेम संबंधों में भी समय व्यर्थ करने के बजाय आपको अपने परिवार और फिर व्यवसाय पर ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें, तो दोस्तों खान पान में लापरवाही की वजह से गला खराब हो सकता है तथा खांसी की समस्या भी यश में बढ़ सकती है, तो दोस्तों इन सब चीज़ों से सावधान रहें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, सर्वाइकल या फिर कंधों में दर्द जैसी समस्या बढ़ सकती है। कुछ समय योगा तथा मेडिटेशन में जरूर व्यतीत करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर होंगे। साथ ही दोस्तों इसमें सर्दी से संबंधित कोई स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें तथा खान पान की जो है उचित दिनचर्या में शामिल करें, ये आपके लिए इसमें बेहतर होंगे।
दोस्तों आपको बता दें कि अत्यधिक काम के बोझ से भी शारीरिक तथा मानसिक थकान रहेगी। दोस्तों यश में आपको अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे।